बीते रविवार को एक बार फिर दिल्ली में हिंसा की अफवाहों से पश्चिमी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। लोगों में डर का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने हिंसा की अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ एक अहम फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को 9 सदस्य कमेटी ऑफ पीस एंड हार्मनी यानी शांति व सद्भाव समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने किया था। पहली मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिससे देश में और दिल्ली में दंगा फसाद हो रहे हैं, खासतौर से फेक न्यूज पर अब सख्ती की जरूरत है। भारद्वाज ने कहा, बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर नफरत फैलाने वाले फेक मैसेज भेजे जाते हैं, जिन्हें लोग सच मान लेते हैं और जिसकी वजह से समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना बढ़ रही है। दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाना क्रिमिनल लॉ के अंदर जुर्म है, जिसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए कमेटी ने इस पर चर्चा करके कुछ फैसले लिए हैं। कमेटी में फैसला लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नफरत फैलाने वाले मैसेज को ट्वीट पर रीट्वीट, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड या फेसबुक पर शेयर भी करता है तो उससे उस व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है, जिससे रेडियो, अखबार और मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। जो नफरत फैलाने वाले मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर हमारी विधानसभा समिति को भेजेगा, उस पर समिति जांच करेगी। अगर पाया जाता है कि कोई क्राइम बन रहा है तो उसको लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी को भेजा जाएगा, ताकि नफरत फैलाने वाले मैसेज को भेजने वाले व्यक्ति पर मुकदमा किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनगढ़ंत और फेक न्यूज देने वालों के ऊपर ये समिति कार्रवाई करवाने में मदद करेगी। कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए इस तरह के संदेशों से समाज में दुश्मनी और नफरत की भावना बढ़ रही है। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले एमएलए सौरभ भारद्वाज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हम जल्द ही एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी करने वाले हैं, जहां लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले संदेशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएंगे, जिससे देश और खासकर दिल्ली में शांति का माहौल स्थापित हो सके। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट।